हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 8 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 9 वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, कि सभी टीचर्स कहाँ जाते हैं या सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं, ये चैप्टर, ये आपका पोयम है, इस पोयम को हम पढ़ाने चल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। कह रहा है कि फॉर ए लिटिल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा, ये टीचर, ये जो स्पेशल एक टीचर उसके लिए खास होता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, यह कठिन है, फॉर ए स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के लिए टू थिंक, सोचने के लिए, आप हिज या हर टीचर या उसके अध्यापक या मैम, एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, कि एक ऑर्डिनरी पर्सन है उसके लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ से देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब बच्चा कह रहा है कि वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, मतलब बच्चा के मन में ये भावनाएं उठ रही हैं, वही बच्चा कह रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा। वेयर माने कहाँ, डू माने क्या, ऑल माने सभी, द टीचर्स गो माने अध्यापक जाते हैं, सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं। व्हेन इट्स 4 o'clock, जब शाम के 4 बज जाते हैं। डू दे लिव इन हाउस, क्या वे अपने घरों में रहते हैं। एंड और डू दे वॉश दियर सॉक्स, क्या वे अपने मोजे को धोते हैं। आगे देखिए, या फिर से एक बार मिला लीजिए। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, सभी टीचर कहाँ जाते हैं। व्हेन इट्स 4 o'clock, शाम के 4 बजे। डू दे लिव इन हाउस, क्या वे घरों में रहते हैं। एंड डू दे वॉश दियर सॉक्स, क्या वे अपने मोजे को धोते हैं, जैसा कि एक बच्चा धोता है। डू माने क्या, दे माने वे, वियर माने पहनते हैं, पैजामास माने पैजामा, क्या वे पैजामा पहनते हैं, क्या वे पैजामा पहनते हैं। एंड और डू दे वॉच टीवी, क्या वे टीवी देखते हैं, क्या वे पैजामा पहनते हैं, क्या वे टीवी देखते हैं। एंड माने और, डू माने क्या, दे माने वे, वॉच माने होता देखना। अगर कोई व्यक्ति किताब पढ़ रहा हो, समाचार पत्र पढ़ रहा हो, या न्यूज़ देख रहा हो, या कोई टीवी देख रहा हो, या मोबाइल देख रहा हो, तो वहाँ पे हम वॉच का प्रयोग करते हैं। तो वही कह रहा है, एंड डू दे वॉच टीवी, क्या वे टीवी देखते हैं। एंड और डू दे पिक दियर नोजेज, एंड माने और, डू माने क्या, दे माने वे, पिक माने होता पकड़ना या साफ करना, दियर माने अपने, नोजेज माने नाकों को, क्या वे अपनी नाक को साफ करते हैं। द सेम एज यू, आपकी तरह, एंड मी और मेरी तरह, जैसा कि हम आप अपनी नाक को साफ करते हैं, क्या वे भी अपने नाकों को पकड़ते हैं, साफ करते हैं। डू दे लिव, क्या वे रहते हैं, विथ अदर पीपुल, अन्य लोगों के साथ, क्या वे अन्य लोगों के साथ रहते हैं। हैव, क्या दे माने वे, मम्स एंड डैड्स, क्या उनके भी मम्मी और डैडी होते हैं। एंड और वेयर दे यूर चिल्ड्रेन, और क्या उनके प्राय, और क्या वे बच्चे होते हैं, क्या वे प्राय बच्चों की तरह होते हैं। एंड वेयर दे यूर बैड, और क्या वे बुरी आदतें करते हैं, क्या वे गलतियां करते हैं या बुरी आदतें करते हैं। यहाँ से देखिए फिर से। डू दे लिव विथ अदर पीपुल, क्या वे दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। हैव द मम्स एंड डैड्स, क्या उनके पास मम्मी और डैडी होते हैं। एंड वेयर दे वेयर, एंड वेयर वर दे यूर चिल्ड्रेन, क्या वे बच्चों की तरह रहते हैं। एंड यूर दे यूर बैड, और क्या वे बच्चों की तरह हरकतें करते हैं, बुरी आदतें करते हैं। आगे देखिए। डिड दे यूर, क्या वे प्रायः, नेवर स्पेल राइट, क्या वे प्रायः गलत, हमेशा निवर, डिड माने क्या, दे माने वे, इवर माने प्राय, निवर माने कभी नहीं, स्पेल राइट मतलब होता है गलत लिखना, क्या वे कभी गलत नहीं करते हैं या गलती नहीं करते हैं। या डिड दे इवर मेक मिस्टेक, क्या वे गलतियां नहीं करते हैं। डिड दे इवर मेक मिस्टेक, क्या वे गलतियां नहीं बनाते हैं, गलतियां नहीं करते हैं। वेयर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या वे कोने में दंडित किए जाते हैं, क्या वे कोने में दंडित किए जाते हैं। जैसे कि एक बच्चा अगर गलत करता है या कोई अनुवादी कर देता है तो उसको दंडित किया जाता है माता पिता के द्वारा, वैसे वो बच्चा मन में सोच रहा है कि वेयर दे पनिश इन द कॉर्नर, क्या वे कोने में बैठकर, मतलब क्या वे कोने में दंडित किए जाते हैं। जैसे कोई माँ उसको ले जाकर के कमरे में बंद कर देती है, वैसे बच्चा मन में सोच रहा है। इफ़ दे, क्या वे पिंचड, मतलब होता है कि चुराना, चुरा लेते हैं द चॉकलेट फ्लेक्स, क्या वे चॉकलेट की पपड़ी को चुरा लेते हैं या चॉकलेट चुरा लेते हैं। अब सोचिए, बच्चा अपने मन की व्यथा को व्यक्त किया है।
डिड दे इवर, क्या वे लूज माने खोते चुरा खो देते हैं, डियर हाइमंस बुक्स, क्या वे पवित्र ग्रंथों को चुरा लेते हैं या खो देते हैं, कह रहा है यहाँ से अर्थ होगा लूज माने खोना। तो डिड दे इवर लूज, क्या वे प्रायः डियर माने अपनी, हाइमंस बुक्स माने तो पवित्र किताबें, क्या वे धार्मिक किताबों को खो देते हैं या हिरवा देते हैं जिसको कहते हैं खोना। डिड दे इवर, क्या वे प्रायः लीव माने छोड़ देते हैं, डियर ग्रीन्स माने अपने, डियर ग्रीन्स मतलब यहाँ से अनाज या भोजन से लिया जाएगा अपने भोजन को, क्या वे अपने भोजन को छोड़ देते हैं, जैसा कि एक बच्चा थाली में भोजन को छोड़ देता है पूरी तरह से नहीं खाता है, वैसे यहाँ से यह अर्थ लिया जाएगा। डिड दे स्क्राइबल ऑन द डेस्कटॉप, क्या वे, डिड दे माने क्या वे, स्क्राइबल माना होता है जल्दी कुछ सीख जाना या लिखना जान जाना, ऑन द डेस्कटॉप मतलब डेस्कटॉप पर, क्या वे डेस्कटॉप पर जल्दी जल्दी कुछ लिखना सीख जाते हैं या लिख लेते हैं। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, डिड माने क्या, दे माने वे, वियर माने पहनते हैं, ओल्ड माने पुराने, डर्टी माने गंदे, जीन्स माने जीन्स, क्या वे फटे पुराने जीन्स पहनते हैं। आई विल फॉलो, मैं उनका नकल करूँगा, वन बाइक एक बार पुनः, होम टूडे घर जाकर, मैं एक बार आज घर जाकर उनकी यही नकल करूँगा। आई विल फाउंड, मैं पाऊँगा, आउट व्हाट दे डू कि क्या वे बाहर करते हैं, देन तब, आई विल पुट मैं रखूँगा इन इट इन ए पोएम इसी पोएम में, तब मैं इस कविता में रखूँगा, दे दैट दे कैन रीड टू यू, दैट माने जो, दे माने वे, कैन माने पढ़ सक, कैन रीड माने पढ़ सकते हैं, टू यू माने आपके लिए, ताकि वे आपके लिए पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से ये हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा।